नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनुपाकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया का है। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया ने 15 साल की उम्र में राजेश खन्ना से शादी कर ली थी। हालांकि शादी के कुछ सालों के बाद ही डिंपल कपाड़िया और राजेश खन्ना एक दूसरे से अलग हो गए थे। अलग होने के बाद भी डिंपल कपाड़िया और राजेश खन्ना ने कभी आधिकारिक तौर पर तलाक नहीं लिया। खास बात तो यह है कि रिश्ते में उतार चढ़ाव होने के बाद भी डिंपल कपाड़िया ने कभी भी राजेश खन्ना के खिलाफ कुछ नहीं बोला। एक बार तो वो राजेश खन्ना के लिए एक रिपोर्टर पर भड़क गई थी और उसे खूब खरी खोटी सुना दी थी। दरअसल डिंपल कपाड़िया ने पत्रकार खालिद मोहम्मद को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने पत्रकार से ये साफ साफ कह दिया था कि उनके मुंह से राजेश खन्ना के खिलाफ कुछ भी गलत नहीं निकलवा पाएंगे। डिंपल कपाड़िया के इंटरव्यू से जुड़ा एक लेख साल 2017 में प्रकाशित हुआ। अपने इंटरव्यू में डिंपल कपाड़िया ने राजेश खन्ना के बारे में बात करते हुए कहा, काका को जाहिर तौर पर गलत समझा गया है पर वो एक अच्छे इंसान थे और जब हमारी शादी हुई तो मैं वाकई में बहुत छोटी थी। हम भले ही अलग हो चुके हैं लेकिन उनके लिए मेरे लिए जो दिल में प्यार है, जो सम्मान है, वो हमेशा रहेगा। डिंपल कपाड़िया ने अपने इंटरव्यू में राजेश खन्ना के बारे में बात करते हुए आगे कहा, ऐसे में आप उनके बारे में मुझसे कुछ गलत बात निकलवाने की हिम्मत भी मत करना। काका के सुपर स्टारडम पर भरोसा करने के लिए उसका अनुभव करना पड़ेगा। आपको बता दें कि राजेश खन्ना से अलग होने के बाद भी डिंपल कपाड़िया ने चुनाव के प्रचार के दौरान राजेश खन्ना का साथ दिया। मीडिया खबरों की माने तो डिंपल कपाड़िया ने राजेश खन्ना और टीना मुनीम की बढ़ती नज़दीकियों को लेकर राजेश खन्ना से अलग होने का फैसला किया था। मॉरिशस में शूटिंग के दौरान डिंपल कपाड़िया ने पति राजेश खन्ना को टीना मुनीम को दोनों को एक साथ देखा था, जिसके बाद वो राजेश खन्ना को बिना बताए ही मॉरिशस से वापस आ गई थी। वहीं जब राजेश खन्ना डिंपल कपाड़िया को ढूंढते हुए होटल पहुंचे तो उन्हें डिंपल द्वारा शीशे पर लिखा हुआ एक संदेश मिला और इस पर लिखा था, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं, गुड बाय। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।